क्या आपके अपराजिता के फूल में छोटे छोटे फूल बन रहे हैं? तो चलिए आज मैं एक सीक्रेट बताती हूँ कि ढेरों अपराजिता का फूल आप कैसे पाए। देखिए, हमारा जो अपराजिता का फूल होता है गर्मियों में अच्छे से फूल देता है, सर्दियों में ये फूल नहीं देते हैं। हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि सर्दी में ये फूल नहीं देते हैं। अगर बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि हमारे पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, ये गर्मी का पौधा है, गर्मी में बहुत अच्छे से फूल देता है और सर्दी में ये मुरझा से जाते हैं, पत्ते सब झड़ जाते हैं, लेकिन ये जीवित रहता है। इसको मरा हुआ समझकर, सूखा हुआ समझकर उखाड़ के फेंकिएगा नहीं। ये एक परमानेंट प्लांट है, ये आप हर साल इसी में फूल आएगा, परमानेंट पौधा है ये। तो देखिए, आपको क्या करना होगा, इस प्रकार से जो सूखे हुए फूल होते हैं हमारे पौधे में उनको हटाते रहना होगा और फलियां नहीं बनने देना है। अगर हम हमारे पौधे में फली बनने देंगे तो पौधे में छोटे छोटे फूल आएंगे। और जो हमारा अपराजिता का बेल होता है उसको हम एक छोटे से छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं। देखिए, मैंने ये 12 इंच के पॉट में लगा रखा है और इसको मैंने ट्री शेप में रखा है। इसको बेल, ये एक बेल प्रजाति का पौधा है, इसलिए बेल बनता है, ये ऊपर चढ़ता है, लेकिन इसको हम ना बॉन्साई शेप में भी रख सकते हैं, छोटे से छोटा पेड़ शेप में भी रख सकते हैं। तो देखिए, आप इस प्रकार से ना फलियों को हटा दें। अगर फलियों को नहीं हटाएंगे ना तो सारा एनर्जी जो हमारा ये फली है वो चूस लेती है और हमारे पौधे में अच्छे से फूल नहीं बन पाते हैं। देखिए, मैंने जानबूझ के छोड़ रखा था इन फलियों को ताकि मैं वीडियो बना पाऊँ। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो मुझे बताइएगा। और देखिए, कितने खूबसूरत से इसमें फूल आ रहे हैं। तो चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। ऐसी ही जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। बाय बाय।